हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। तो शुरुआत करते हैं, आज बात करते हैं आज की मेन टॉपिक पे जो भी कनाडा में चल रहा है मास डिपोर्टेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने 2-3 महीने पहले भी कहा था और मैं काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू कम टू कनाडा ऑन वर्क परमिट या किसी भी स्टडी वीजा पर जाते हो तो नेवर डू वर्क कैश जॉब बिकॉज इफ़ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन। अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है स्पेशली इन द अल्बर्टा प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस एंड नोवा स्कोशिया प्रोविंस के थ्रू। मीन्स इन 3 प्रोविंस में ऑलरेडी रेड चल रही है और रेड मारी जा रही है बाय द सीबीएस, दैट मीन्स कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। दे आर द वन हु कंट्रोल द बॉर्डर्स ऑफ कैनेडा एंड दे आर द वन हु कंट्रोल द इमिग्रेशन रिलेटेड थिंग्स इन कैनेडा एंड दे आर द वन हु कंट्रोल द कस्टम एंड सर्विस इन कैनेडा। सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने को फुल सपोर्ट कर रही है एंड दे आर टेलिंग दैम दैट यू हैव टू डू द रेड। आप रेट मारो, आप किसी भी वर्क प्लेस पे जाओ, चाहे रेस्टोरेंट पे, वॉलमार्ट में, कॉस्को में, किसी भी रिटेल चेन में जाओ एंड चेक द स्टेटस ऑफ द पीपल इफ दे आर इन द वैलिड स्टेटस और नॉट। अगर वैलिड स्टेटस पे नहीं है, इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड विद इन अ वीक के अंदर एंड यू आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा एंड साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। एंड एक बार आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया दैट मीन्स आप वापस कभी भी कनाडा नहीं आ सकते। इवन इफ यू मैरी अ कैनेडियन सिटीजन और पीआर होल्डर, इट विल क्रिएट एन इशू, आप नहीं आ सकते हो, आपको बहुत इशू आएगी। 99.9% यू विल नॉट कम बैक और चांसेस तभी है इफ यू फाइट अ केस इन कैनेडियन कोर्ट। तो ये तो दूसरी बात। देखो अभी कनाडा में रेट पड़ी जा रही है हर जगह और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 1 हफ्ते पहले ब्रिटिश कोलंबिया के रिगार्डिंग, जिसमें 950 पंजाबी स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था जो स्टडी परमिट पे थे लेकिन वो इलीगल वर्क कर रहे थे, कैश पे जॉब कर रहे थे। क्योंकि अगर आप स्टडी परमिट पे हो तो आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक ही वर्क कर सकते हो लेकिन वो अभी इलीगल वर्क करते हो, 30 आवर्स 40 आवर्स भी वर्क कर रहे थे एंड वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। अब इससे क्या होता है, वो सिर्फ स्टडी परमिट पे थे तो अगर वो पकड़े गए हैं, जितने 950 स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, अब वो पकड़े तो जाए गए हैं लेकिन उनका जो पीआर का जो पाथवे है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। वो पीआर के लिए फाइल भी लगाए गए, इवन इफ दे आर गेटिंग दैट मच ऑफ सीआर स्कोर स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल क्योंकि उन पे फाइन लग चुका है, उन पे केस हो चुका है। एंड वंस एक बार पे केस हो चुका हो जाता है और आप इलीगल काम करते वक्त आपका पीआर का जो पाथवे है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई ऑलवेज टोल्ड यू नेवर डू अ कैश जॉब। इसी तरह के किस बहुत सारे होते हैं, जब हम LMI पे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो वर्क परमिट पे आते हैं, क्लोज वर्क परमिट पे आते हैं थ्रू LMI और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स उनको ये बोलते हैं कि हम आपको जॉब दे देंगे, हमको पेरोल चला देंगे लेकिन आपको जॉब कैश में करनी पड़ेगी, आपको जॉब नहीं दे पाएंगे, इट्स इलीगल, इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। और आज के टाइम पे करंट सिचुएशन में कोई कैश जॉब अवेलेबल नहीं है। सी देखो पहली बात तो कैश में जॉब करना इट्स इलीगल, बट अगर आपको रियलिटी बताऊँ कैश में जॉब अवेलेबल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा में मोर देन 8% है और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस में आते, किसी भी टाउन में, किसी भी विलेज में, सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ जॉब अंटिल अनलेस इफ यू हैव सम रेफरेंस एंड हैव सम स्किल्स। दूसरी बात, अगर आप LMI पे आते हो इट्स अ क्लोज वर्क परमिट, यू आर नॉट एलिजिबल टू डू एनी अदर जॉब उसके अलावा। तीसरी चीज, अब बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे कंसर्न एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, अब जब वर्कर्स जो फॉरेन वर्कर्स LMI पे जाते हो 3 महीने के बाद उनको बोलते हैं हमारे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो हम अगर आपको अपना स्टेटस वैलिड रखना है तो आप पेरोल चला लो और आप कहीं कैश पे काम करो और 3 महीने बाद आपको निकाल भी सकते हैं और 3 महीने बाद आपको निकाल देते आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो सर्विस कनाडा में कंप्लेन करो थ्रू द लॉयर एंड उनको बोलो कि ऐसा ऐसा हो गया है, यू नीड अ प्रूफ, यू नीड अ चैट, ईमेल आईडी, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया, मेरे को आवर्स नहीं मिल रहे हैं, और आपको फिर फाइल करना पड़ेगा वल्नरेबल ओपन वर्क परमिट जो आपको 1 साल का मिलेगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि शायद आपको 2 साल का मिल जाए, सिर्फ मैंने एक केस ऐसा हुआ है जिसमें 2 ईयर्स का मिला है, बाकी 99.9% केसेस में मैक्सिमम 1 ईयर का ही ओपन वर्क परमिट मिलता है। और आज के टाइम पे जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं दे ऑल आर CEC.dot, that means Canadian experience class. अगर आपके पास कैनेडा का एक्सपीरियंस है तभी पॉसिबिलिटी है आपको PR मिल पाएगा। लास्ट 2.5 साल के अंदर सिर्फ जिन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 में एक बार ड्रॉ हुआ था फॉरन ड्रॉ, बाकी सारे CEC ड्रॉ, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, फ्रेंकोफोन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड ड्रॉ, यही ड्रॉ हो रहे हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ड्रॉ हो रहे हैं।
या जितने भी पीएनपी ड्रॉ हो रहे हैं, और सारे मैक्सिमम पीएनपी ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू आर इन कनाडा, आप स्टडी परमिट पे हो या वर्क परमिट पे हो, तो नेवर डू अ कैश जॉब, बिकॉज अभी सीबीएसई रेट कर रही है और कनाडा का सिंपल सा मंडा है. नेक्स्ट इलेक्शन है, उनको जो कैनेडियन सिटीजन है, पीआर होल्डर है, उनके लिए जॉब्स देनी है, उनके लिए जॉब क्रिएट करनी है, और नेक्स्ट इलेक्शन भी है, उनका दिल जीतना है. सो दे आर क्लीनिंग कैनेडा, दैट मीन्स जिनके पास कोई वैलिड स्टेटस नहीं है उनको बाहर निकाला जा रहा है. इन द ईयर ऑफ 2022 देयर मोर देन 8,300 डिपोर्टेशन, और इन द ईयर ऑफ 2023 देयर आर अराउंड 15,000 डिपोर्टेशन. और एक बार आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, एक बार का रिफ्यूजी स्टेटस कैंसिल कर दिया जाता है, आप पे लाइफ टाइम बैन हो जाता है, खासकर डिपोर्टेशन के टाइम पे. अगर आपका कोई वैलिड स्टेटस नहीं होता, या अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़ जाते हो, और अगर आपका रिफ्यूजी स्टेटस कैंसिल कर दिया जाता है, आप उसके अपील कर सकते हो, और उसके फिर से कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसके बाद अपील भी करोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इफ यू डोंट हैव अ प्रूफ. ये तो हमने बहुत सारी न्यूज भी देखी होगी, जो आपने ओंटारियो के रिगार्डिंग, प्रिंस एडवर्ड के रिगार्डिंग, नोवा स्कोशा प्रोविंस में, मैनिटोबा प्रोविंस में, इवन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे थे कि हमारा वर्क परमिट को एक्सटेंशन किया जाए, वर्क परमिट को एक्सटेंड किया जाए, जो कि इन द करंट सिनेरियो नहीं पॉसिबिलिटी है. जो पहले हो गया सो हो गया, क्योंकि देखो नंबर वन थिंग, यू आर अ टेम्परेरी रेजिडेंट, यू आर नॉट अ पीयर होल्डर, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन, आपकी वैल्यू इतनी नहीं है. Doesn't matter, Canada is a democratic country, कोई आपकी वैल्यू नहीं है. यू आर नॉट द वन हु वोट इन इलेक्शन, रिमेंबर वन थिंग. अभी जो बच्चे जितने भी स्ट्राइक कर रहे थे, जो रैलियां निकाल रहे थे, हमें वर्क परमिट एक्सटेंशन दिया जाए, पी एन पी ओपन किया जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैनेडा में ऑलरेडी बहुत से ज्यादा टेम्परेरी रेजिडेंट्स हो चुके हैं. इवन आप जब एल एम आई पे भी आते हो, आपको बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट ये बोलते हैं हम आपको पी आर दिलवा के दे देंगे. नो वन विल गिव यू पी आर, कोई भी आपको पी आर नहीं दिलवा सकता, किसी का बाप भी नहीं दिलवा सकता, अगर आपका सी आर एस स्कोर या का पी एन पी का स्कोर, या अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे जिसमें आपने फाइल लगा रखी है, अगर वो वैलिड है या नहीं है, आपका स्कोर बन रहा है तो ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है. इसमें आपका एज, जॉब इंडस्ट्री, आपका प्रोविंस, आपका नॉक कोड, आपका जॉब का टाइटल, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपका आईएलटीएस का, सेल्फ हेल्प का स्कोर, सब कुछ मैटर करता है. और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और कई बार एजेंट्स, कई बार एम्प्लॉयर्स आपका फायदा उठाते हैं कि आप LMI ले लो और आप इस पे चले जाओ, हम आपको पेरोल चला देंगे, लेकिन आप कैश में जॉब कर लेना. और लाखों लोग करते हैं, पर ना करंट सिनेरियो जिस हिसाब से CBSE रेट मार रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, नोवा स्कोशिया के अंदर, अल्बर्टा के अंदर, और बाकी प्रोविंस में भी करेगा, स्पेशली ओंटारियो में, और ये ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कार्ब्रो, टोरंटो में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेयरहाउस में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज के अंदर, रेस्टोरेंट्स में या रिटेल स्टोर में कैश में जॉब करते हैं. एवरीबडी नोस, एवरीबडी नोस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, सबको पता है. और ये इस तरह के केसेस कई बार आ चुके हैं, और वहाँ भी रेट पड़ने वाली है. सो इफ यू आर, थोड़ा सतर्क हो जाओ, अगर इफ यू कॉट, आपका हमेशा के लिए पीआर पाथवे वहीं पे खत्म हो जाएगा. इवन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कुछ ट्रक ड्राइवर जो पकड़े भी गए अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर, इवन अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर पकड़े गए थे वैन के अंदर, जो रैंडम चेक हो रही थी, और रैंडम जब चेक किया गया उनको, उनसे स्टेटस मांग गया कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ या अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ टू शो योर वैलिड स्टेटस. उनके पास कुछ भी नहीं था, एंड दे कॉट, दे विल बी डिपोर्टेड. अब वो कभी कनाडा वापस लाइफ टाइम नहीं आ सकते. इवन वो अपील भी करेंगे, उनकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी. कुछ ड्रग ड्राइवर्स ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर भी पकड़े गए थे, और अभी रेड भी हो रही है, वो रैंडमली चेक कर रहे हैं कि आपके पास स्टेटस है या नहीं है. एंड इफ यू डोंट हैव, यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री एंड यू विल बी डिपोर्टेड. सो ऐसा कई बार ना ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको ये बोलते हैं कि काम करो, मेरे पास ना दो शॉप्स हैं, दो रिटेल शॉप्स हैं, या एक पिज्जा स्टोर है, एक इस लोकेशन पे, लोकेशन ए में, लोकेशन बी में है, लेकिन मैं आपका लोकेशन ए में पेरोल चला दूंगा, लेकिन आपको जो मैं जॉब दूंगा लोकेशन बी में दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. सी देखो, कभी भी ना ऐसा मत करना. अगर आप LMI पे भी आते हो, किसी पे भी जॉब करते हो, डू अ जेन्युइन जॉब, बिकॉज छोटी मोटी चीज के चक्कर में आपकी लाइफ खराब हो जाएगी. एम्प्लॉयर को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का फाइन लग जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ टाइम स्पॉइल हो जाएगी. आप डिपोर्ट जाओगे, आप पे लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, जो आपका स्टेटस था या आपने पेरोल भी चला रखा है, वो भी वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑलवेज से टू यू, नेवर ट्रस्ट इमिग्रेशन ब्लाइंडली. इमिग्रेशन लॉयर हो, कंसल्टेंट हो, एजेंट हो, खुद चेक करो, 10 लोगों से बात करो, उन पे
ट्रस्ट किसी पे 100% मत करो, श्योरिटी लो, गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। एटलीस्ट 4-5 लोगों से बात करोगे, किसी एक बंदे से बात करोगे और उसके पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, आपको इश्यू होगा। एटलीस्ट 4-5 बंदे से बात करो और अपने तरफ से रिचेक करो कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, तभी आगे कोई डिसीजन लेना। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो बेवकूफ़ी कहलाओगे। और किसी ऐसे लॉयर से बात करना जो प्रोमिनेंट हो, जो आपको 100% गारंटी दे, श्योरिटी दे और विद आपको बिल्कुल जेन्युइन आपको वो दे सॉल्यूशन। ऐसा ना हो कि उसमें कोई उसका अपना हिडन कोई बेनिफिट हो, अदरवाइज आपको इश्यू क्रिएट होगा। एंड आई हैव सीन अ लॉट, मैं इसी लाइन के अंदर हूँ, आई हैव सीन अ लॉट, बहुत लोगों की लाइफ खराब हो जाती है इन द LMI ऑल्सो, इन द स्टडी परमिट ऑल्सो, जो लोग पेरोल पे जाते हैं उनके साथ भी बहुत बार हुआ है। आई हैव सीन अ लॉट एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डी एम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड दिस काइंड ऑफ रीड्स बाय द CBSA कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी आर डूइंग अ लॉट, और बहुत रेट हो चुके हैं, कम से कम अराउंड 100+ रेट्स हो चुके हैं इन कैनेडा, सो बी अवेयर। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।